अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां भदभदा बस्ती अतिक्रमण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खाली 20 घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस ने बैरिकेटिंग कर आने जाने वालों को रोक दिया है। बिना परिचय पत्र के अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एनजीटी के निर्देश के बाद में ये कार्रवाई हुई है। तो भदभदा बस्ती अतिक्रमण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से सरकार की ओर से भी कहा जाता है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि अब इस पर नगर निगम की टीम और साथ ही जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और जो खाली 20 घर है उन्हें गिराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दी है और आने जाने वालों को रोक दिया गया है। और इस दौरान अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसे परिचय पत्र दिखाना होगा। परिचय पत्र दिखाकर ही वो अंदर आ सकता है। बिना परिचय पत्र के अंदर आने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। देखिए, राजधानी भोपाल के भदभदा बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजधानी भोपाल के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, उसी अतिक्रमण को रोकने की ये कार्रवाई जारी है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, जिस प्रकार से राज्य सरकार का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी के तहत ये कार्रवाई, आपको बताना चाहूंगी इस वक्त मैं राजधानी के भदभदा ब्रिज पुल पे खड़ी हूँ। हालांकि पुलिस उस तरफ जाने नहीं दे रही है जिस तरफ ये कार्रवाई हो रही, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि जो पुलिस है लगातार, जो यहाँ का प्रशासन वो लगातार इन लोगों से घर खाली करने को कह रहा था और जो अवैध अतिक्रमण थे उसको हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की बात ना मानकर ये जो आखिरी वक्त था, आज आखिरी दिन था, इसके बाद जो है पुलिस ने आज कार्रवाई की। आप तस्वीरों में देखेंगे, हालांकि हम थोड़ा दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि नगर निगम का प्रशासन जो है अवैध अतिक्रमण हटा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल खासकर पूरे मध्य प्रदेश को सौंदर्यीकरण की ओर ले जाने के लिए तरफ, विकास की ओर ले जाने की तरफ ये कार्रवाई हो रही है। एनजीटी की जो आदेश था उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस ने। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगी, इस तरफ भी पुलिस जो है एक तरफ का रास्ता रोक चुकी है। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है, और राजधानी भोपाल में ही 365 ऐसे अवैध अतिक्रमण है जिस पर जो है कलेक्टर ने साफ निर्देश दे दिया कि जो लोग बात नहीं मान रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलेक्टर लगातार इन लोगों से संपर्क में थे, ये जो अवैध अतिक्रमण करके बैठे इन लोगों को तीन ऑप्शन दिया गया था कि पीएम आवास योजना के तहत आप घर ले लीजिए, या फिर आप मुआवजा ले लीजिए, या फिर आप चांदबड़ में जमीन ले लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आसानी से घर खाली कर दिया और जो लोग बचे हुए थे आज उनको घर खाली करवा के प्रशासन जो है इसे तोड़ रहा है और लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो इस तरीके का अतिक्रमण है वो ना हो पाए, अतिक्रमणकारियों पर जो देर बना रहे। और पुलिस लगातार इस कार्रवाई में लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस बल लगाए गए हैं और नगर निगम का अमला अलग मौजूद है। कलेक्टर भी अब से थोड़ी देर बाद आएंगे। कलेक्टर जब शुरू हुआ था ये कार्रवाई तब कलेक्टर खुद यहाँ पे मौजूद थे ताकि कोई भी उत्पाद ना मचा सके, हंगामा ना कर सके। तो लगातार आप देखेंगे किस तरीके से ये जो है अवैध अतिक्रमण, खासकर ये पुल के बगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो राजधानी भोपाल का सुंदर सा ये ब्रिज है, पुल है, यहाँ से लोग गुजरते हैं तो जो है इसका जो खूबसूरती था वो यहाँ पर खराब हो रहा था कहीं ना कहीं। और पुलिस लगातार इसको लेकर लोगों को अलर्ट भी कर रही थी और आसपास के जितने भी इलाके हैं मैं आपको बताना चाहूंगी जहां पर अतिक्रमण होता, जहां पर आप मान लीजिए कि लोग बाहर से इसको देखने आते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो गलत संदेश देने की एक कोशिश करती है। और मध्य प्रदेश सरकार में आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में जो है विकास का काम हुआ, तो इस तरीके की कार्रवाई, हालांकि सरकार जो ये गरीब लोग हैं इनको भी आवाज देने के लिए कहीं ना कहीं बात कर रही है, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं ये बात समझते नहीं है या समझ पाने की कोशिश नहीं करते। उनको पीएम आवास भी दिया जाएगा, जनमन आवास के तहत आवास देने की भी बात की जा रही है, लेकिन आप होता है ना जब आप शुरू से वहां रहने लगते एकदम अचानक से हटा दिए जाते हैं तो इस तरीके की जिद वो करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वही कार्रवाई है जो अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल शबाना, हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजधानी के कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगातार अतिक्रमण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सबक होगा, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से, नगर निगम की टीम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर सफलता मिलती हुई भी नजर आ सकती है। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।